आज का हमारा विषय है लिफाफा बनाना। आज हम बनाने वाले हैं रैबिट एनवलप। बनाने के लिए हमें चाहिए एक स्क्वायर पेपर। इस पेपर को पहले हमें ट्रायंगल में फोल्ड करना है। एक बार इस तरफ से और दूसरी बार इस तरफ से। अब हमारे पेपर पे गुना का चिन्ह दिखाई दे रहा है। पेपर को टर्न करना है और सीधा फोल्ड करना है। अब हमारे पेपर पे अधिक का चिन्ह और गुना का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले पेपर को बीच तक मोड़ना है, फिर यहाँ से इस पेपर को, जो पेपर मोड़ा था, नया फोल्ड आया है, वहाँ तक लेके जाना है और फोल्ड करना है। अब पेपर को उल्टा फोल्ड करना है और जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे लेके जाना है, फोल्ड करना है। अब देखो, 1, 2, 3 लाइंस दिख रही है और ये 3 लाइन पेपर के सिर्फ इस तरफ दिख रही है, आधे हिस्से में नहीं दिख रही है। जहाँ पे ये 3 लाइन दिख रही है उतना ही हिस्सा हमें वापस बीच तक मोड़ना है। ये यहाँ से और ये यहाँ से मोड़ने के बाद हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से हमें ये वाला लाइन काटना है और यहाँ से ये वाला लाइन कट करना है। उसके बाद ये आधा कट करना है और ये आधा कट करना है। मैं आपको वापस बताती हूँ, ये लाइन कट करना है स्क्वायर का, ये भी लाइन कट करना है और ये आधा कट करना है। यहाँ से ये आधा कट करना है। जहाँ पे मैंने ब्लैक मार्क किया है वो हमें कट करना है। अब ये पहले से फोल्ड था हमारा, तो ये फोल्ड ऐसे हो जाएगा और इसे ऊपर की तरफ लेके आना है। वापस देखो, ये सिर्फ ऊपर लेके जाना है, ये अंदर फोल्ड हो जाएगा। यहाँ से ये फोल्ड करना है, यहाँ से ये फोल्ड करना है। अब इस पेपर को टर्न करो। यहाँ पे जो पेपर दिख रहा है, ये जो लाइन है उस लाइन पे इस तरह से फोल्ड करना है। आगे फोल्ड करने के बाद उसी लाइन पे पीछे फोल्ड करना है। वैसे ही यहाँ पे भी पेपर को पहले बीच वाली लाइन तक ट्रायंगल फोल्ड करो, फिर उसे वापस ये दोनों ऐसे। ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा फोल्ड करना है और बाद में पूरा आधे तक फोल्ड करना है। आधे तक फोल्ड करने के बाद वापस इसे खोलो। अब इस तरह का इस साइड का हिस्सा आपको फोल्ड करना है और ये ऐसे आएगा। यहाँ से ये वाला हिस्सा फोल्ड करना है, ये ऐसे बनेगा। खरगोश का मुंह तो बन गया है, अभी सिर्फ एनवलप बाकी है। यहाँ से ये फोल्ड, यहाँ से ये वाला फोल्ड, ये जो बीच की लाइन दिख रही है, इस पेपर को फोल्ड करके
बीच की लाइन तक लेके आना है। यहाँ से इसे भी फोल्ड करके बीच की लाइन तक लेके आना है। खरगोश के मुंह को थोड़ा बाहर निकालेंगे। अभी देखो यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, हमें उसी लाइन पे फोल्ड करना है कि खरगोश हमारा ऐसे आएगा। वापस देखो, ये जो लाइन है उसी लाइन पे फोल्ड करना है, खरगोश को ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ पे भी देखो लाइन दिख रही है, फोल्डिंग लाइन। इन फोल्डिंग लाइन पे अंदर की तरफ फोल्ड करो। आप चाहे तो यहाँ पे फेविकॉल लगा सकते हो। अब आपको अगर लिफाफे के अंदर कुछ भी डालना है तो उसे फोल्ड कीजिए, उसके अंदर रखिए और ये वाला हिस्सा देखो यहाँ पे एक पॉकेट की तरह बना है। ऐसे प्रेस करना है। अब इसके कान बनाने हैं। कान बनाने के लिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। आप ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे खोल देंगे इसके कान तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। इस तरह से आपका रैबिट एनवलप तैयार हो गया है। आप रंग बिरंगे घर पे बना सकते हो। अगर पेपर नहीं है कलरफुल तो आप न्यूज़पेपर का यूज़ भी कर सकते हो। थैंक यू।